हेलो एवरीवन, विश यू मैनी हैप्पी न्यू ईयर 2021। वी आर मीटिंग फर्स्ट टाइम। द कंपोजिशन एंड द लिरिक्स ऑफ दिस सॉन्ग इज माय ओन। एज वी नो दैट राइट नाउ नेचुरल सोर्सेज एंड रिसोर्सेज आर डिक्रीजिंग डे बाय डे, है ना। सो द सॉन्ग इज कन्वेइंग द मैसेज दैट हाउ एक्चुअली वी हैव टू यूज एंड यूटिलाइज दिस सोर्सेज फ्रॉम द नेचर। दोस्तों, हमें पता है कि आजकल ये बहुत सारी आपदा विपत्तियां आ रही है प्राकृतिक, तो जो संसाधन है वो कम होते नजर आ रहे हैं, तो हमें इसका उपयोग कैसे और कब करना है ये गाना प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग लेटर ऑन। लेट मी फिनिश दिस सॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल। एज मच एज यू आर गोइंग टू लिसन दिस सॉन्ग अगेन एंड अगेन, यू विल हैव द बेटर आइडिया ऑफ द सॉन्ग इटसेल्फ। ओके, है ना। सीमित है संसाधन इनका करे उचित उपयोग, सीमित है संसाधन इनका करे उचित उपयोग। लहराते उपवन में वरना लग जाएगा रोग, सीमित है संसाधन इनका करे उचित उपयोग। लहराते उपवन में वरना लग जाएगा रोग। जंगल काट बना डाले घर पर्यावरण बिगड़ा, स्वार्थ सिद्धि का याद रह गया हमको केवल तगड़ा। जीवन में फिर कैसे आए जीवन में फिर कैसे आए खुशहाली का योग। लहराते उपवन में वरना लग जाएगा रोग। वेट लिफ्टिंग जिम एक्सरसाइज बात नहीं है पुरानी, ध्यान योग प्राणायाम सतयुग की कहानी। वेट लिफ्टिंग जिम एक्सरसाइज बात नहीं है पुरानी, ध्यान योग प्राणायाम है सतयुग की कहानी। घर घर पहुंचे नित्य योग ओम ओम ओम, घर घर पहुंचे नित्य योग और भग जाए सब रोग। घर घर पहुंचे नित्य योग और भग जाए सब रोग। लहराते उपवन में वरना लग जाएगा रोग। किया प्रदूषित सरिताओं को और सुखाया पानी, नीचे गया जल स्तर काफी याद आ गई नानी। बदला जब प्रकृति लेती रोने लगते रोग। लहराते उपवन में वरना लग जाएगा रोग। छेड़ पहाड़ों से कुल खुल कर तोड़ी है चट्टाने, गलत फैसले पीड़ा देते बात चलो यह माने। बिना विचारे नहीं चलेगा बिना विचारे नहीं चलेगा खुशियों का उद्योग। लहराते उपवन में वरना लग जाएगा रोग। पेट्रोलियम पदार्थ हमारी करे जरूरत पूरी, सूरज की किरणें काया को देती शक्ति जरूरी। सोच समझ दुनिया में चलना सोच समझ दुनिया में चलना हट जाए अभियोग। लहराते उपवन में वरना लग जाएगा रोग।
सीमित है संसाधन इनका करे उचित उपयोग, सीमित है संसाधन इनका करे उचित उपयोग, लहराते उपवन में वरना लग जाएगा रोग, लहराते उपवन में वरना लग जाएगा रोग, लहराते उपवन में वरना लग जाएगा रोग। तो फ्रेंड्स, दिस इज द सॉन्ग, यू आर गोइंग टू लिसन इट अगेन एंड अगेन, यू विल हैव द बेटर आइडिया। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ। दोस्तों, जैसे सीमित है संसाधन इनका करे उचित उपयोग, मतलब जो प्रकृति है, इसके संसाधन जो हमें प्रकृति दे रही है वो बहुत सीमित होते जा रहे हैं ना आजकल, तो हमें इनका उपयोग अच्छी तरह से करना है, वरना क्या होगा, लहराते उपवन, मतलब जो है हमारा खिलखिलाता हुआ जीवन है, परिसर है, प्रकृति है, ये क्या होगी, इसमें रोग लग जाएगा, प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ेगा इसमें रोग ज्यादा लगेंगे, और उसकी असर किस पे होगी, हम पर ही होगी। प्रकृति की जो असर है, गलत असर, वो इंसानी प्रकृति पर, इंसानों को और जो ये समस्त सृष्टि के जीव है उन पर होगी। जंगल काट बना डाले, घर और पर्यावरण को हमने बिगाड़ा है, हमने मतलब जिसने भी एक जो कर रहा है उसने, तो पर्यावरण बिगाड़ा है, उससे क्या होगा, हमको सिर्फ सिद्धि का स्वार्थ जो है वो ही याद रह गया, तो फिर जीवन में खुशहाली कैसे आएगी, अगर सिर्फ स्वार्थ जो है सिद्धि करने के लिए, कुछ पाने के लिए हम जंगल को काट के वहां पे घर बनाएंगे तो प्रदूषण होगा, प्रदूषण होगा तो उसकी विपरीत असर फिर से हम पर ही पड़ेगी, तो हमको क्या याद रह गया, सिर्फ स्वार्थ याद रह गया है, इससे क्या होगा, जीवन में फिर खुशहाली कैसे आएगी, नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं कि जिम एक्सरसाइज और जिसको कहते हैं कि वेस्टर्न जो ये आउटफिट से हम लोग जाते हैं फिट करने के लिए, तो वो तो नई बात है, ये बात पुरानी नहीं है, वेट लिफ्टिंग जिम और कसरत बात नहीं ये पुरानी, ध्यान योग प्राणायाम है सतयुग की कहानी, मतलब ये सतयुग से, जब से हमारा सनातन धर्म, सनातन सत्य हम जिसको कहते हैं, धर्म एक ही है सनातन धर्म, जो भारत खंड में, भारत वर्ष में, अखंड भारत में जब से चला आ रहा है, ऋषि मुनियों से भी पहले से देवताओं ने जिसको ऋषि मुनियों को दिया था, तो वो जो बात है तो वो चला आ रहा है। अगर हम घर घर में नित्य योग करेंगे तो रोग सारे भग जाएंगे। ओमकार इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, हम जिसको कहेंगे कि योग है, ध्यान है, प्राणायाम है, अगर आप ओमकार करते हो तो सारे शरीर के अंदर की जो पीड़ा है, आंतरिक इंटरनल डिसीज, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि योग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो घर घर हमें योग को पहुंचाना है और हमें खुद को भी करना है, जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना, जिसको ध्यान कहते हैं, तो ध्यान हमें करते ही रहना है। अब किया प्रदूषित सरिताओं को और सुखाया, प्रदूषित जो सरिता है, नदियां है, उनको हम सुखाते जा रहे हैं, उसका पानी प्रदूषित हो रहा है, और जल स्तर काफी, जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, आजकल इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, की गर्मी बढ़ गई है, जिससे प्रकृति में जो सरिता है, नदियों का जल जो है, स्तर जो है वो कम होता नजर आ रहा है, तो इससे क्या होगा, जब प्रकृति बदला लेती है तो भूजल आता है, भूकंप आता है, अकाल पड़ता है, दुकाल पड़ता है, या कभी कभी अतिवृष्टि भी होती है, तो इन सब का कारण यही है, तो हमें वो जल स्तर नीचे नहीं होने देना है, हमको पानी का इस्तेमाल जरूरी है उतना ही करना है, ज्यादा उसका वेस्ट बिगाड़ नहीं करना है। अब पहाड़ों को खोदकर हमने क्या, चट्टाने को खोदकर वहां से रास्ते बनाना शुरू किया, अब ये जो रास्ते हम बना रहे हैं पहाड़ों को खोदकर, तोड़कर, चट्टानों को हटाकर, तो हमें क्या करना है कि हम ये गलत फैसले कर रहे हैं, ये दीज आर द रॉन्ग डिसीजन एक्चुअली, वी कैन से दैट एज फार एज द सॉन्ग इज कंसर्न, कि भाई ये इतना नहीं करना चाहिए हमको, वरना उसका क्या होगा कि बिना विचारे नहीं चलेगा खुशियों का उद्योग, हमें खुशियां चाहिए अच्छी तरह की, भौतिक सारे जो सुख संपदा आपदा है विपदा, उसको हटाना है तो हमें इनको सुरक्षित रखना होगा। और पेट्रोलियम पदार्थ हमारी जरूरतें पूरी करती है, पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो जरूरतें पूरी कर रही है, लेकिन इतनी भी उसको उपयोग में नहीं लानी चाहिए कि वो खत्म हो जाए और फिर हमें
चलते चलते हर जगह पे, जैसे पहले सतयुग में वही था ना, जब ये सब नहीं था या उसकी मात्रा ज्यादा होने के बावजूद भी उसका उपयोग कम करते थे जीव ऋषि मुनि सारे, तो उनकी प्रकृति, उनकी जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बरकरार रहता था और रहता है। इसी के लिए कहते हैं ना, किसी को डायबिटीज होता है या कुछ भी एक इंटरनल डिसीज होता है तो हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज, ये सारे जो है इसमें क्या करते हैं डॉक्टर, जिसको हम कहते हैं वो उपचार, क्या कहते हैं कि आपको चलना चाहिए दिन में 5 किलोमीटर कम से कम, है ना। तो यही तो बात कह रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ हमारी जरूरतें पूरी करती है, तो उनको उससे ज्यादा उपयोग में नहीं लाना चाहिए। लेकिन सूरज की किरणें काया को शक्ति जरूरी देती है, विटामिन डी। अगर आप लोग सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे हो तो सूर्य नमस्कार भी हर एक को करना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन तो नहीं कहूंगा, उसके भी ऊपर वाली एक ये बात है, उपचार भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आप सूर्य नमस्कार करोगे, 12 सूर्य नमस्कार है, तो आप समझ लो कि आप अच्छा, आपका स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहेगा। 12 सूर्य नमस्कार रोज के करो, लगातार करो, पूरे 12 महीने में करते ही रहो, 24/365/7 जिसको कहते हैं, या 12x365 या 365 कह लो, वो हमें करना ही है, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ ओनली, तो ये है। तो सोच समझ कर दुनिया में चलना है, इससे हट जाए अभियोग, मतलब कि जो हमारा अहंकार है, क्रोध है, मोह माया है, उन सबसे परे हो जाएंगे और हमारा स्वास्थ्य जो है वो बहुत सुधर जाएगा, और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। So once again I'm telling you, as much as you are going to listen this song again and again, you will have the better idea of the song and its tune also. Okay, till then take care of your own selves, take care of one and all. Goodbye, thank you very much.